नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैन चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ने क्यों रूस से 33 नए फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, तो आइए जानते हैं। दरअसल गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव का असर अब रक्षा नीतियों पर भी साफ नजर आने लगा है। भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार को रूस से 33 नए फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। इन फाइटर जेट्स में 21 MiG-29 और 12 Su-30 MKI शामिल है। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि एयरफोर्स पिछले कुछ समय से इस प्रस्ताव पर काम कर रही है। इन एयरक्राफ्ट को खरीदने की लागत करीब 6,000 करोड़ बताई जा रही है। अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है, इस दौरान मंत्रालय की मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि वायुसेना की कई अलग अलग हादसों में फाइटर जेट खोने के बाद नए एयरक्राफ्ट चाहिए। पिछले 10 से 15 साल के दौरान वायुसेना ने 272 Su-30 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि अब तक जितने एयरक्राफ्ट हासिल किए गए हैं उनकी संख्या वायुसेना की हैवीवेट एयरक्राफ्ट की जरूरत के लिहाज से मुनासिब है। एयरफोर्स एक स्टडी भी करना चाहती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि रूस से जो MiG-29 हमें मिलने हैं वो लंबे वक्त तक वायुसेना में अपनी सेवा दे सकती है या नहीं। MiG-29 को उड़ाने वाले पायलट, उसकी बनावट और मशीनरी की जानकारी होती है, लेकिन रूस ने जो मिग देने का प्रस्ताव दिया है वो थोड़े अलग है। अभी भारत के पास MiG-29 की 3 स्क्वाडन है। इन एयरक्राफ्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए इनका अपग्रेडेशन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।